हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा नाइन सें न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का ये वीडियो नंबर फोर है और आज हम इसमें देखने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन सेंट्रल न्यूरल सिस्टम के बारे में देखने वाले हैं सेंट्रल न्यूर सेंट्रल न्यूरल सिस्टम जब हमने नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो उसके दो पार्ट थे सी एन एस और पी एन एस सी एन एस इज़ न्यूरल सिस्टम और पी एन एस इज़ द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पेरीफेरल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हम यहाँ देखने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं और कह सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड और ये जो है साइट होती हैं किसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल की ठीक है इसके अलावा भी इसके कुछ फंक्शन होते हैं फंक्शन है फंक्शन ऑफ सी एन एस इट कंट्रोल्स अ वॉलेंट्री और इन वॉलेंट्री फंक्शन ये जो है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जिस पर हम अपनी इच्छा से काम कर सकते हैं और कुछ ऐसी फंक्शन है जिन पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है मतलब हम हमारी इच्छा उस पर डिपेंड नहीं कर रही है तो वॉलेंट्री जैसे हमें कब चलना है या कब रुकना है या हमें आ, कब बोलना है ये भी हमें हम कंट्रोल कर सकते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रोल वो होता है कि जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है यानी हार्ट बीट है और उसको हम नहीं रोक सकते हैं अपनी इच्छा से कि हाँ भाई अब धड़कना या नहीं धड़कना है या फिर आ, जो आ, आपका ब्रीथ रेट है उसको भी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो ये कैसे हैं इन्वॉलेंट्री फंक्शन है थर्मो रेगुलेशन में बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन करता है उसको कंट्रोल करता है कार्डियक रिदम कार सर्केडियम रिदम सर्केडियम रिदम जो है वो एक तरह की बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें uh, हमारा सोना जागना खाना पीना इस तरह की एक साइकिल होती है जिस पर uh, जिसको वो कंट्रोल करता है सी एन एस एंडोक्राइन ग्लैंड एंड ह्यूमन ह्यूमन बिहेवियर जितना भी हार्मोन है मोस्ट ऑफ वो कहाँ से सीक्रेट होता है ब्रेन से पिट्यूटरी ग्लैंड जिसमें कुछ जो है एंटी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होते हैं कुछ होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ठीक है अगला है इट इज ऑल्सो साइट फॉर प्रोसेसिंग ऑफ विजन जितना भी सेंसेस का जो है वो सारा कंट्रोल है वो कहाँ से होता है सी से होता है यानी हमारा देखना सुनना बोलना और हमारी जो यादाश्त है मेमोरी इंटेलिजेंस बुद्धि इमोशंस यानी कि रोना हंसना खुश होना ये और थॉट्स ये सब हमारा किसके कंट्रोल में आता है सी एन एस के कंट्रोल में अगला है ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन ह्यूमन ब्रेन का जो वेट है वो कितना होता है थ्री हंड्रेड ग्राम होता है और ये स्कल के क्रेनियम में सिचुएटेड होता है ये दो तरह की सेल्स से मिलकर बना होता है न्यूरोन्स और न्यूरोग्लिया सेल्स न्यूरोन्स में किसी भी तरह का सेल डिवीजन नहीं होता है फिर भी हमें ट्यूमर हो जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि ग्लिया सेल्स जो होती हैं उनमें तो अनकंट्रोल्ड अगर सेल डिवीजन हो जाए तो उस कंडीशन में ब्रेन ट्यूमर हो सकता है इनसाइड द ब्रेन ब्रेन के इनसाइड में किस तीन तरह की जो लेयर होती हैं उनको बोलते हैं क्रेनियल मेनेंजेस आउटर लेयर ड्यूरा कहलाती है मिडिल लेयर एरेक्नॉइड और अंदर की जो लेयर है इनर लेयर उसको पायामेटर बोलते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन ब्रेन के थ्री पार्ट होते हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन को प्रोसेंसिफलॉन बोलते हैं मिड ब्रेन को मिजेंसि बोलते हैं एंड हाइंड ब्रेन को रोमेंसिफ्लोन बोलते हैं जैसे कि आ, हमें पता है कि हमारी जो बॉडी का जो बॉस है यानी हमारे शरीर का जो बॉस है कौन है ब्रेन है तो ब्रेन के थ्री पार्ट हो गए अब इसमें भी न, जैसे हमारी कंट्री में अलग अलग मिनिस्ट्री होती हैं और उसमें उनके अलग अलग काम होते हैं जैसे किसी मिनिस्ट्री का इन एजुकेशन में होता है और किसी का किसी को बांट दिया आपको बोलते हैं कम्युनिकेशन का दे दिया और किसी को दे दिया हमने एग्रीकल्चर का दे दिया तो उसी तरह ब्रेन में भी अलग अलग डिपार्टमेंट है और उनका अलग अलग काम है तो इसमें देखते हैं फोर ब्रेन के थ्री पार्ट होते हैं पहला है सेरिब्रम दूसरा है हाइपोथैलेमस हाइपोथैलेमस है यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है हाइपोथैलम हो गया है जिसको फैक्ट्री लोब भी बोलते हैं एंड थर्ड है थैलेमस जिसको डाई बोलते हैं मिड ब्रेन के थ्री पार्ट हैं मिड ब्रेन के सॉरी टू पार्ट हैं टैक्टम और टैगमेंटम हाइन ब्रेन के भी थ्री पार्ट हैं सैरिवेलम पोन्स और मेडुला ओवलोंगाटा जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं फोर ब्रेन का जो पार्ट है सरीब्रम वो सबसे बड़ा पार्ट है सरीब्रम में दो हेमिस्फीयर होते हैं लेफ्ट और राइट सरिब्रल हेमिस्फीयर जो कि कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा कॉर्पस कैल कॉर्पस कैलोसम के द्वारा uh, ये जो मिड पार्ट है ये जो आपका ये पार्ट है इसको इस लाइन को बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम और ये जो बीच बीच में इस तरह के जो फोल्ड दिखाए आए हैं इस तरह के जो फोल्ड दिखे उनको गायरी बोलते हैं देन मिड ब्रेन है मिड ब्रेन का पार्ट देखिए ये जो आसमानी से कलर में ब्लू कलर में जो है वो मिड ब्रेन का पार्ट है हाइंड ब्रेन के तीन पार्ट हैं पोन्सरी सेवेलम और मेडुला मेडुला देखिए बिल्कुल जस्ट नीच स्पाइनल कॉर्ड से थोड़ा सा ऊपर की तरफ है और पोन्स जो है जस्ट मिड ब्रेन के नीचे की तरफ है आगे देखते हैं फोर ब्रेन के पार्ट देखेंगे सेरिब्रम सेब्रम जो है मेजर पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का हुँ? दूसरा इसमें कुछ क्लैफ्ट होते हैं डीप क्लैफ्ट डिवाइडेड इन सेरिब्रम लॉन्गिट्यूट इन टू हाल जैसा आपको बताया था लेफ्ट सेरिब्रम था और राइट सेरिब्रम था जिसको क्या बोलते हैं सेरिब्रल हैफियर बोलते हैं जो कि ये हेमिसफियर कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा कॉर्पस कैलोसम के द्वारा लेयर ऑफ द सेल्स विच कवर्स द सेरिब्रल हेमिसफियर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स यहाँ पर एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जहाँ पर प्रोमिनेंट फोल्ड्स होते हैं जिसको हमने आपको दिखाया था डायग्राम में उसको गायरी बोलते हैं या सुलसी बोलते हैं अनदर पार्ट है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर पाया जाता है जो कि कैसा है अन है मतलब इसमें कैसा होगा डेंड्राइट सेल्स होंगी साइटोन और डेंड्राइट सेल्स होंगी जबकि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जस्ट नीचे कौन सा लेयर है मेडुला लेयर इंटीरियर लेयर है जो कि वाइट मेटर को कंटेन किया रहता है और एक्जोन फाइबर्स होते हैं उसमें अब देखिए सेरिब्रम में भी चार पार्ट होते हैं फ्रंटल लोब पैराइटल लोब और ऑक्सी ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब फ्रंटल लोब जो है उसका काम है स्पीच प्लानिंग करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मूवमेंट जबकि पैराइटल लोब में परसेप्शन ऑफ स्टिमुली एंड ऑरेंटेशन सेंस ऑफ टेस्ट यानी गस्टेटरी जो कंट्रोल है वो कहाँ से होगा पैराइटल लोब से होगा गस्टेटरी मतलब टेस्ट रिलेटेड है वो ऑरेंटेशन मतलब जो भी डायरेक्शन है रीडिंग है पढ़ना है ये सब क्या है पैराइटल लोब से इन्वॉल्व कनेक्टेड है ओसीपेटल लोब में विजुअल प्रोसेसिंग होगा विजुअल मतलब हम देखते हैं तो देखने में भी हमारी एक मैकेनिज़्म है तो वो जो है सारा कंट्रोल हमारा कहाँ से होगा ऑसीपिटल लोब से होगा जबकि टेम्पोरल लोब में क्या होगा जितना भी इमेजिनेशन है यानी कल्पना करना रिकॉग्निशन ऑफ मेमोरी हमें किसी चीज़ को पहचानना है हाँ और सुनना है और स्मेल करना है ये सारा कंट्रोल होगा टेम्पोरल लोब से तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि सेरिब्रम के चार लोब होते हैं फ्रंटल लोब पैराइटल लोब ऑसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब आगे देखते हैं टेम्पोरल लोब में ही एक लिम्बिक सिस्टम होता है जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशनल फीलिंग के लिए ठीक है थैलेमस फोर ब्रेन पार्ट है थैलेमस थैलेमस का जो काम है वो है सेंसरी इंपल्स को कंटेन करना और वो सेंसरी इम्पल्स कहाँ से आते हैं सेंस ऑर्गन सेंस ऑर्गन हमारे हैं वही विजन है हियरिंग का है और आपका सुनने का है सॉरी विज़न हो गया हियरिंग हो गया और टेस्ट हो गया स्मेल हो गया ये सारा जो हमारा इम्पल्स आता है और इसको कंटेन करता है कौन थैलिमस दूसरा ये रेस्पॉन्सिबल होता है मेमोरीज नई मेमोरीज को बनाएगा और पुरानी मेमोरीज को स्टोर करेगा और जो भी आपने पहले कर चुके हैं उन सारे एक्सपीरियंसेस को कौन स्टोर करेगा थैलिमस स्टोर करेगा थैलीमस के जस्ट बाद आता है हाइपोथैलीमस हाइपो थैलीमस प्रेजेंट होता है बिलो द थैलीमस एंड कंट्रोलिंग द मूड एंड इमोशंस इसका क्या काम है हमारे मूड को कंट्रोल करता कि आज मतलब मूड कैसा है ख़राब है या अच्छा है या मैं बहुत खुश हूँ या मैं आज दुखी हूँ तो ये सब कौन कंट्रोल करता है हाइपोथेलिमस दूसरा काम है इसको हारमोन्स को बनाना सिंथेसाइजिंग द हारमोन्स कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर हार्ट बीट ब्लड प्रेशर ये सब क्या है जैसे हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर कैसा है इन्वॉलेंट्री है इन्वॉल्ट्री फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है और थर्मोरेगुलेटरी अगला है कोऑर्डिनेट द मैसेज फ्रॉम ए एन एस ए एन एस यानी ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम से जो भी मैसेज आएंगे उनको कोऑर्डिनेट करेगा अगला है मिड ब्रेन ब्रेन के ही ब्रेन को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था फोर ब्रेन मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन तो ये हमारा सेकेंड पार्ट है मिड ब्रेन मिड ब्रेन जो है वो प्रेजेंट होता है कहाँ फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में और फोर ब्रेन में भी मतलब थैलिमस और हाइपोथैलीमस और पोन्स ऑफ हाइंड ब्रेन के बीच में लोकेटेड होता है मिड ब्रेन इसका जो एंटीरियर पोर्शन होता है वो उसमें एक सेरिब्रल पैडिंकल होता है जो मैसेज को क्या है सेरिब्रल क्वार्टेक्स तक पहुंचाएगा यहां पर मिड ब्रेन में ही दो पार्ट बताए थे आपके टैक्टम और टैगमेंटम तो यहाँ पर जो टैक्टम है ये डोसल पार्ट होता है और टैक्टम एक रिले सेंटर की तरह काम करता है जो कि सेंसरी जो भी इंफॉर्मेशन है उसका सेंटर है ये रिले सेंटर है रिले सेंटर मतलब जो भी बोलते हैं टिशू टू सी एन एस तक और सी एन एस टू टिशू तक जो भी जा रहा है उसको कनेक्श कनेक्ट करने का जो काम है वो कौन कौन करता है टेक्टम और टैक्टम में ही एक पार्ट होता है कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिया का इसमें चार लोब होते हैं फोर रिटिन लोब्स होते हैं और इन्हीं को क्या बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्री जेमिना ये क्या कंट्रोल करता है ये कंट्रोल करता है पोजीशन ऑफ हेड एंड आई इन रेस्पॉन्स टू द विजुअल एंड ऑडिट्री फंक्शन ठीक है टैगमेंटम का क्या काम है टेगमेंटम जो है वो ब्रेन स्टेम्स में पाई जाती है और कनेक्ट करता है किसको थैलीमस कॉर्टेक्स एंड स्पाइनल कॉर्ड और इन्वॉल्व होता है किस में रिफ्लेक्स एक्शन में मूवमेंट एंड रिफ्लेक्स एक्शन आगे देखते हैं हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन को भी हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था फर्स्ट था सेरिवेलम एंड पोन्स एंड मेडुला गाटा सेरिब्रम जो है पहला जो सबसे बड़ा पार्ट था वो क्या था सेरिब्रम था जबकि हाइंड ब्रेन में सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट होता है जो ब्रेन का वो होता है बेलम और ये लोकेटेड होता है कहाँ पर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द मेडुला एंड पोन्स फंक्शन इसका है कि ये मेनली रेस्पॉन्सिबल होता है कि बॉडी को बैलेंस करने में जब हम भाग रहे हों या चल रहे हों या फिर हम तैर रहे हों या हम कोई भी वॉल्ट्री मूवमेंट कर रहे हों तो उसमें फंक्शन किसका होता है सैरी बेलम का यानी बॉडी बैलेंसिंग का जितना भी फंक्शन है वो कौन करता है सैरी बेलम सेकेंड है पोन्स इट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन ब्रेन का ये अच्छा, अ, मतलब बड़ा स्ट्रक्चर होता है बिटवीन ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर होता है बिटवीन द मिड ब्रेन एंड मेडुला ऑबलंग घाटा के बीच होता है ये फंक्शन इसका है जो इन्फॉर्मेशन है उसको ट्रांसफर करना सेलम और मोटर मोटरकोटेक्स के बीच में जबकि कंट्रोल करता है मैग्नीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्पायरेशन को इट इन्वॉल्व द सेंसेशन एंड बैलेंस इसका भी क्या काम है सेंसेशन और बॉडी बैलेंसिंग में काम है इसका मेडुला ओब्लंगाटा थर्ड पार्ट है मेडुला ओबलंगाटा इट इज़ अ स्मॉल एंड लोवेस्ट रीजन ऑफ हाइंड ब्रेन इट कंट्रोल्स द इन्वॉलेंट्री फंक्शन ऑफ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मोस्टली पूछ लिया जाता है कि जो कार्डियोबेस्कलस uh, सिस्टम और रेस्पायरेशन है वो ब्रेन में कहाँ से कंट्रोल होता है वो होता है मेडुला ओवलंग गाटा से जो कि पार्ट है किसका हाइंड ब्रेन का अगला है इट इन्वॉल्व्स द रेगुलेशन ऑफ लाइफ सस्टेनिंग फंक्शन ये कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है जैसे कि कफिंग है स्नीजिंग है छींकना और कफिंग वॉमिटिंग इस तरह के फंक्शन में मेडुला और इन्वॉल्व होता है आई थिंक आपको ब्रेन का ये टॉपिक समझ में आया होगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब और हमारे आने वाली वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें